वीरेंद्र योगी। प्रिय दोस्तों, हिंदी का आज एक उत्साहपूर्ण प्रवाह और वेग उत्पन्न हुआ मेरे मस्तिष्क में। प्रिय दोस्तों, अपने हिंदी भाषियों, देशवासियों और विदेशों में रहते हुए महान भारतीयों के लिए हिंदी में कुछ ज्ञान की बातें करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, अगर जिंदगी में सुखमय जीवन जीना है, शांतिमय जीवन जीना है और सफल होना है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, सबसे बड़ी शक्ति जो आपका है ना, वो ज्ञान है। क्या करना, क्या नहीं करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कहाँ उठना, कहाँ बैठना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कौन सा व्यवसाय लेना, कितनी ईमानदारी, निष्ठा, प्रेम, स्नेह से अपने आप को परिपूर्ण करना, इन सारे ज्ञानों का मंथन करते हुए, चिंतन करते हुए, रोम रोम में इसको समा लेना चाहिए। क्योंकि आप जो सोचेंगे ना, वही सच हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक उपलब्धियां है मनुष्य का। जितने भी हमें मनोवैज्ञानिकों ने सिखाया है कि हम आज जो भी हैं, हम अपने सोच के बदौलत हैं। जैसे मेरे को देखिए, मैं हमेशा ये जो नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं, इसीलिए मैं वीरेंद्र योगी बना, नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते हैं, 125 करोड़ियों का मजदूर नंबर वन, यही जीसस क्राइस्ट ने बोला। जो सबसे महान व्यक्ति होगा वो मानव की सेवा करेगा, और जब मानव की सेवा करेंगे तो कार्य क्षमता बढ़ाएंगे ना, कार्य कुशलता बढ़ाएंगे। विवेकानंद ने मानव का सेवा किया ज्ञान से, बुद्ध भगवान ने मानवता की सेवा किया ज्ञान का उपदेश्य देके, जीसस क्राइस्ट ने मानवता का कल्याण किया बाइबल में, अभिन्न अभिन्न महान महान ज्ञान की शब्दों को लिख के, पंक्तियों को लिख के, कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, अर्जुन को समर्थवान बनाया, बलवान और वीर बनाया। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है, और वो सभी चिंतन किए, मनन किए, और तब महान बन गए। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जितने भी महान गुण हैं, जैसे मैं हमेशा अंग्रेजी में बोलता हूँ और बोलता हूँ, ट्रूथ एंड जस्टिस, पीस लव एंड नॉन वायलेंस, इसका मतलब है सत्य और न्याय, प्रेम स्नेह और अहिंसा, इसका कभी भी अवलंबन मत छोड़िए। जब आप इसको जीवन में प्रायोगिक रूप में लाएंगे, तो ईश्वर है अविलंबन को, सब जन हैं परमेश्वर के, फिर क्या दुर्लभ उसके जन को। अगर आप इस तरह से अपने आप को हमेशा जागरूक रखेंगे, जागृत रहेंगे, और सत्य न्याय प्रेम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी सिलसिले में मैं आपकी धैर्य की पराकाष्ठा पाना चाहता हूँ। धैर्य रखिए, क्योंकि आपकी तरह ज्ञानी मनुष्य नहीं है इस संसार में। ये संसार अज्ञानियों से भरा हुआ है, दुराचारी दुष्ट व्यक्तियों से भरा हुआ है, स्वार्थी, लोभी, कामी, क्रोधी का एक बवंडर है, एक बहुत बड़ा समूह है, जन समूह है, जो इस संसार को सर्वनाश करना चाहता है। अगर आप व्यापार में जाएंगे तो देखेंगे कि वो मनुष्य को धोखा दे रहे हैं, मिलावट का सामान बेच रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखेंगे कि सारे व्यक्ति द्रव्य के लिए, पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं और अपने को शिक्षक समझते हैं। अभी अभी शिक्षा दिवस मनाया गया, वो लोग एक ट्रेडर्स हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन हमारे जैसे शिक्षक जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी बाप है, उससे भी ज़्यादा बड़ा शिक्षक है, क्योंकि हम शिक्षक हैं विवेकानंद जैसे, हम शिक्षक हैं बुद्ध भगवान जैसे, हम शिक्षक हैं उन महापुरुषों जैसे, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस और कृष्ण जैसे, निस्वार्थ भावना से मानव कल्याण के लिए, उनके जीवन में शांति सुख की स्थापना करने के लिए हम जन्मे हैं। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, उद्याथानम तथामस्तु। मीन्स मतलब यही है कि जब जब भी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब भी ग्लानि होती है भारत में धर्म का, पुरुषार्थ का, विवेक का, तो प्रभु प्रकट होते हैं। तो आप प्रकट होइए, कृष्ण के रूप में प्रकट होइए, क्योंकि यहाँ दुराचारियों का समूह बन गया है। लेकिन सबसे पहले अपने को ज्ञान में बनाइए, सबसे पहले अपने को पुरुषोत्तम बनाइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह। तो आज का जो हमारा ये वक्तव्य है, वो जुड़ा है आपके धैर्य की परीक्षा होगी, क्योंकि धैर्य की आवश्यकता है। जब आप कभी समूह में जाते हैं,
खास के जब आप जर्नी कर रहते होंगे, कहीं जा रहे होंगे, स्कूल कॉलेज और कहीं भी आप एक गंतव्य स्थान की ओर प्रगर्सित हो रहे हैं, प्रगर्सर हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ दुराचारियों से आपका मुकाबला होगा। तो मैं यही करता हूँ, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ अपने ऑफिस की तरफ प्रस्थान करता हूँ तो मैं वहाँ लिख के रख लिया हूँ, काट कूट धरती सहे, खोद काद धरती सहे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल बचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। प्यारे दोस्तों, धरती को कितना भी गड्ढा कर दो और कितना भी तोड़ मरोड़ कर डालो, लेकिन धरती कभी कुपित होकर हमें वरदान श्राप नहीं देती है, वरदान ही देती है, जीवन देती है। इसी तरह महापुरुष को चाहिए कि जब मूर्खों से आपका सम्मुख हो, मुकाबला हो, तो अपने ज्ञान की दीप में क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, लेकिन एक चाह चढ़िए, क्षमा शोभती उस भजन को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंत विहीन विनत हो। प्यारे दोस्तों, थोड़ा हिंदी कम बोलता हूँ इसीलिए थोड़ी अवरोध आ रही है, बट फिर सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, सबल बनिए, कृष्ण की तरह विराट रूप दिखाने की शक्ति रखिए, सामर्थ्यवान बनिए, क्षमा करना सीखिए, फॉरगिवनेस इज डिवाइन। प्यारे दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। महान ज्ञानी महापुरुष हमेशा क्षमाशील होते हैं। जो तोकू को काटा बोए ताव तू बोले बोए फूल, जो आपके लिए कांटे बो रहे हैं उसके लिए भी आप फूल बोए, तो काओ फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल। प्यारे दोस्तों, और इन सब ज्ञान की चर्चा के लिए ज्ञानी महापुरुषों की संगति में रहिए। तुलसी इस संसार में पांच रतन है सार, तुलसी इस संसार में पांच रतन है सार, साधु संगति हरि भजन दया दीप उपकार। कबीर दास जी को बुलावा आ गया, मृत्यु आनी है, जन्म हुआ है, तो रोने लगे बेचारे, बिलख बिलख के प्रभु से बोले, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में ओ बैकुंठ न होए। प्यारे दोस्तों, अगर जो ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं इसको आपके जीवन में रोम रोम में और छन छन पल पल आपका सागर्द हो, आपके साथ चले, तो उसके लिए चाहिए चिंतन मनन करिए ज्ञानियों के साथ, और जो ज्ञानी महापुरुषों की संगति होती है वह स्वर्ग से भी बेहतर होता है, स्वर्ग में भी ये सुख नहीं है। और दुर्जन की जो संगति होती है भैया, बड़ा दुख दारुण होता है, वो जहरीले सांप से भी खतरनाक होता है। चाणक्य नीति में चाणक्य ने कहा कि सांप तभी आपको डसेगा जब आपकी मृत्यु आएगी, लेकिन जो अज्ञानी है, जो दुष्ट है, वो हमेशा हर पल हर क्षण आपका सर्वनाश करेगा। और सूरदास ने कहा, सूरदास की काली कामरी चढ़त न दूजो रंग। तो जीवन में अगर सुख शांति चाहिए तो दुर्जनों से दूर रहिए, ज्ञानी महापुरुषों की संगति करिए, और हमेशा ज्ञान की बातों की चर्चा करिए, आपका जीवन मंगलमय होगा, कल्याणमय होगा। एक योगी आपका सेवक वृंद्र योगी हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता है, बट जागिए, जागना आपको है, जागृति आप में आनी है, आप में सारी शक्ति छुपी हुई है, सारे शक्तियाँ आप में छुपी हुई है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने लिख दिया, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, या जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता हुआ सत्व कहाँ। फिर दोस्तों, सब कुछ आपको प्राप्त है, उठकर अमृत विधार करो, तुम स्वत्व सुधार स्पान करो, दब रूप रहो भवकानन में, नर हो न निराश करो मन को। समझ रहे हैं क्या, समलोक की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सतु सतु पाए भला, समझो न जग को निराश अपना, पथा प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है विलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। प्यारे दोस्तों, सब कुछ उपलब्ध होगा आपको, लेकिन आपको पहले तैयार हो जाना है, आप नर हैं,
नारायण के पुत्र नरसिम्हा अवतार के रूप में सारे मनुष्य यहाँ हैं, लेकिन वो अपनी प्रकृति को भूल चुके हैं और अब उनका दिनचर्या अज्ञान से भरा हुआ है। अज्ञान की बात सोचते हैं, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, और उनके जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ऐसा छा जाता है कि वे अपने मकरे के जाल में बिल्कुल फंस जाते हैं और ज़िंदगी नरक बन जाता है, और अपने नरक के जो प्रभाव है उसको सर्वत्र फैला देते हैं। बच के रहिए, सावधान हो जाइए। काम क्रोधता लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, काम क्रोधता लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्न पहारा तस्मात जागृत 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 रहिए। सब कुछ प्राप्त होगा आपको, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको, किसी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन विचारों से पूर्ण रहिए, महान विचारों को ही अपने जीवन में सोचिए। मनसा वाचा कर्मणा, आप मन से जो सोचेंगे वो वचन से बोलेंगे और वही कर्म होगा, और बार बार अगर वही सोचेंगे, वही बोलेंगे और वही करेंगे तो एक आदत पड़ जाएगी, वो आदत हो जाएगी ना, वो आपका चरित्र का निर्माण करेगा और आपका भविष्य का निर्माण करेगा। अरिस्टोटल ने यही कहा कि जो अद्भुत शक्ति वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति अद्भुत इसीलिए हुआ कि हमेशा अच्छी बातें सोचता है, और सोचते सोचते उसकी आदत पड़ जाती है, प्रकृति हो जाती है, और जब आदत और प्रकृति बन गई तो पुरुषोत्तम बन जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलें तो यह है, डेस्टिनी इज नथिंग बट इट इज़ ए मैटर ऑफ हैबिट। ए पर्सन हु बिकम एक्सलेंट, ही ऑलवेज थिंक एक्सलेंट, ही ऑलवेज बिहेव एक्सलेंट, एंड ही ऑलवेज बिकम एक्सलेंट बिकॉज इज जस्ट फॉर हिज थिंकिंग। सोचिए, आप जो सोचेंगे वही आप बनेंगे। प्यारे दोस्तों, आपका धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और ये योगी नरेंद्र मोदी का भाई, सहोदर भाई, सहोदर का मतलब है कि हम लोग एक ही रास्ते के हैं, चित्रवान, विचारवान, ज्ञानवान, मानव का सेवक। आप भी बनिए, अपने आप को परिभाषित करिए, आप कौन है भाई। मैं तो यही बना, वीरेंद्र योगी, नरेंद्र मोदी जैसा, क्योंकि वो महान बन गया भाई, उतना तो महान हुआ नहीं, इसीलिए मैं उसकी तरह। लेकिन तरह का मतलब गुण एक ही है, खुशबू एक ही है, एक पुष्प सुगंध और खुशबू फैलाता है। बट याद रखिए, आप बहुत बार सुने होंगे, सूरज न बन पाया तो दीपक बढ़कर चलता चल। सूरज और दीपक का कार्य एक ही है, रोशनी फैलाता है। और अपने आप की तुलना किसी से भी मत करिए, आप हैं, आप जो चाहे वो प्राप्त किए। नरेंद्र भाई मोदी जो चाहे वो प्राप्त किए, विवेकानंद जी जो चाहे और सारे महान पुरुष जो चाहे वो पा लिए, और जो अहंकारी दुराचारी दुष्ट हुआ वो भी जो चाहा वो कर लिया, क्योंकि मनुष्य भाग का निर्माता खुद है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं है, ये सोच से उत्पत्ति होती है। अच्छा सोचिए, अच्छा बनिए, कि जीवन की यात्रा छोटी है, जन्म से मृत्यु तक इसको आनंदमय बनाइए, ज्ञानमय बनाइए, और आनंद का हिलो लीजिए। बट नियंत्रण रखिए अपने विचारों पर, विचारों की शक्ति, व्यक्तित्व की शक्ति, चरित्रवान की शक्ति विमुख रखिए। मधुमक्खी की तरह जाके फंसिए नहीं मधु में, समझ रहे हैं क्या, बर्बाद हो जाएंगे। विनम्र रहिए, सरल रहिए, प्रभु का ध्यान करिए, विचार उन्हीं से मिलेगा, ज्ञान उन्हीं से मिलेगा, सुख शांति उन्हीं से मिला। राम भजन बिन कुछ भी नहीं हो सकता है, राम भजन बिन ज्योति जागे, जाए न जी का जरन, राम भजन कर मन। राम का मतलब वो राम नाम जो दशरथ का पुत्र था उससे नहीं है, राम एक संकेत है, चित्रवान मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व का, जो हमेशा निष्काम भावना से कर्म में लीन रहता है, व्यक्त रहता है, और जीवन में एक मर्यादा स्थापित करता है, कभी भी ग्रसित नहीं होता है, कभी भी मोह में नहीं आता है। निष्काम योग की आराधना करिए, जरूरत है तो करिए, नहीं तो दुखी रहिए ना, मरिए, तड़पिए, अंधकार में भटकिए, धक्के खाइए, ठोकर खाइए, सारे कुकर्म करिए, मर्जी आपकी है, आप अपने भाग्य के विधाता हैं भाई। मैं तो विधाता हूँ अपने भाग्य का, और सही रास्ते ही चलूँगा, और आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। आपका जय हो, कल्याण हो, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। धन्यवाद, थैंक यू।